भाई और बहनों, ये केबल जरा ध्यान से देखिए। ये एक HDMI केबल है। आप मुझे पहले बताएं कि अगर आप आलू बुखारे के पैसे दें, यानी कि प्लम्स के पैसे दें, और कोई आपको आलू दे दे, तो क्या आपको चलेगा? आप स्वीट पोटैटोज़ खरीदने जाएं और आपको सिर्फ पोटैटोज़ मिले, तो क्या आपको चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ स्नैपडील ने किया है। मैंने एक रेगुलर HDMI टू मिनी HDMI केबल ऑर्डर करी स्नैपडील के थ्रू। आप ये बिल पे भी देख सकते हैं सर जी, पता नहीं कितना क्लियर होता है। ये देखो, इट्स अ निकॉन मिनी HDMI टू HDMI केबल 1.5 meters। ये यू नो बिल के ऊपर लिखा हुआ है, यही वेबसाइट पे लिखा है। पहली बार ये निकॉन नहीं है, ये एक अनब्रांडेड केबल है। दिस इज एन अनब्रांडेड केबल। हाउ डज स्नैपडील अलाउ इट्स सेलर्स टू सेल अनब्रांडेड लोकल स्टफ एज ब्रांडेड स्टफ? अभी निकॉन नहीं है तो नहीं है। ही शुड राइट कि ही सेलर को बोलना चाहिए, भैया मैं केबल भेज रहा हूँ जो रेगुलर HDMI टू मिनी HDMI है, ना कि एक निकॉन है। पहली बात तो ये मिनी है ही नहीं, ये माइक्रो HDMI केबल है भाई साहब। देखो मैं बताता हूँ, रेगुलर की जो चौड़ाई होती है ना, करीबन 13.9 mm होती है। जो मिनी होती है ना, वो करीब 10.5 mm होती है चौड़ाई में, और जो माइक्रो होती है ना, वो करीब 6.5 होती है चौड़ाई में। अब आपको कहां से बताओ, ये छोटा, ये जो छोटा वाला कनेक्टर है, ये आपको कहीं से भी 10.5 के करीब लग रहा है mm में? इट्स अ ब्लडी माइक्रो टू अ रेगुलर HDMI केबल। इसका मैं क्या करूं बताओ? यू नो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस केबल। रस्सी की तरह यूज कर सकता हूं भाई साहब, और कुछ नहीं कर सकता। मतलब स्नैपडील, आप यू आर टेकिंग योर कस्टमर्स फॉर अ राइड। पहली बात तो आप यू नो एक टैक्सी का भाड़ा लेते हो, रिक्शा में घुमाते हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिजनेस एथिक्स, रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस, यू शुड स्टॉप दिस। इससे पहले स्नैपडील, लेट मी टेल यू, आप जवाब दीजिए। आपने मुझे एक नल भेजा था बाथरूम के लिए, वन ऑफ द बाथरूम एक्सेसरीज, शीतल एंगुलर कॉक। प्रॉब्लम पता क्या थी? कॉक क्वार्टर रिटर्न था, उसका क्वार्टर रिटर्न एंगल प्रॉपरली सेट नहीं था, और इतने स्क्रैचेस थे कि ठीक है, आपने मुझे बहुत तंग किया रिटर्न लेने में, रिटर्न लिया, पैसे भी दिए, दैट्स ओके, बट इट वॉज यू नो अ स्ट्रगल फॉर मी, अपहिल टास्क था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने आप बाथरूम के लिए एक और मैंने एक्सेसरी ली थी, ओवरहेड शावर रोसियो की, उसका एक यू नो एक वॉशर हल्की सी क्रैक थी, रबर वॉशर। एक एंगल होता है एक ओवरहेड शावर में, जहां पे वो पिवट होती है, वहां एक वॉशर होती है, वो क्रैक थी। वहां पे मुझे MC लगा के काम चलाना, मैंने कहा चलो सर के ऊपर कौन ऊपर चढ़ के देखने वाला है कि यू नो वॉशर क्रैक है कि नहीं है, चलो थोड़ी MC लगाओ और यू नो मिट्टी डालो, गोली मारो, चलाओ किसी तरह से काम। मैंने चला लिया। बट ये सब देखो, इसका मतलब ये है कि स्नैपडील प्रोडक्ट्स को पैक करने से पहले या कुरियर करने से पहले सेलर से लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, और चेक भी नहीं करते हैं जी, सीधा उसको पार्सल कर देते हैं। भाई आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां आप एक्चुअली चेक करते हो कि यू नो प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ एट पार है कि नहीं, उसमें कुछ डैमेज है कि नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं, और जो मेंशन ऑन द वेबसाइट है वो एक्चुअली है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है। यू नो पिछले कुछ महीनों में 3 products आपके मुझे गलत आए, एक तो मैंने कैसे भी करके चलो काम चला लिया, और बाकी इस केबल का मैं क्या करूं? रियली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस केबल का क्या करूं। ठीक है, मैंने आपसे बात करी, कम से कम 20 minutes मुझे फोन पर जद्दोजहद करनी पड़ी, मुंबई से यू नो दिल्ली कॉल करना पड़ा, एक 201 rupees की केबल के लिए मुझे करीब 30-40 rupees फोन पे स्पेंड करने पड़ गए। टोल फ्री नंबर तो है नहीं भाई साहब आपका, प्लस आपकी सिर्फ यू नो 7 days रिटर्न पॉलिसी है। फिर आपने बोला एक काम करो जी, हम आपको एक फॉर्म भेजते हैं, उसको बाहर से प्रिंट करो। अरे भाई साहब, मेरे पास जो है ना इस समय मेरा डेस्कटॉप हो गया खराब, मेरे पास एक टैबलेट है, टैबलेट में लगने वाला है नहीं मेरी पेन ड्राइव है, और मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा एक साइबर कैफे, पहले मुझे प्रिंट करने बाहर जाना है। फिर आपने कुछ यू नो सेंट्रलाइज नंबर दिया है कि ब्लू डार्ट को कॉल करो, उनको सारी डिटेल दो, फिर वो आपके घर में आएंगे, वो आपका पिकअप करेंगे। फिर आप कस्टमर को दौड़ा रहे हो, गलती आप कर रहे हो, माइक्रो HDMI केबल भेज रहे हो मिनी की जगह, पहली गलती। दूसरी गलती, अनब्रांडेड भेज रहे हो ब्रांडेड की जगह, और फिर कस्टमर को कहते हो बाहर जाओ प्रिंट आउट निकालो। मतलब आप अस्यूम करते हो कि घर में प्रिंटर होना चाहिए, आप अस्यूम करते हो घर में कंप्यूटर होना चाहिए, पेन ड्राइव होनी चाहिए। अरे कस्टमर क्यों भगाते हो भाई साहब आप? व्हाई डोंट यू एक्ट लाइक फ्लिपकार्ट, व्हाई डोंट यू एक्ट लाइक मिंत्रा? उनकी रिटर्न पॉलिसी कितनी ईजी है,
आप उनको यू नो, एक तो रिटर्न फॉर्म अंदर होना चाहिए विद एवरी पैकेज, मिंत्रा एक रिटर्न फॉर्म इंक्लूड करता है, ये तरीका होता है। फ्लिपकार्ट कहता है आप फोन करो हम घर आके आपका प्रोडक्ट उठा के लेके जाएंगे, ये तरीका होता है। खुद के उनके इन हाउस कुरियर्स हैं, दे कम टू योर हाउस, दे पिक इट अप। मिंत्रा तो यहां तक बोलता है पैक भी मत करो, हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे ऑन द स्पॉट। मेरे साथ मिंत्रा के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, मैं आपको बताता हूँ। आदिदास की एक टी शर्ट ली थी अपनी वाइफ के लिए, साइज बहुत छोटा था। सुबह मैंने इंटीमेट किया है, यू नो 3-4 बजे बंदा आया घर पे, उसने इंस्पेक्ट किया है, पैक भी नहीं करना पड़ा मेरे को, और 3-4 घंटे मेरा रिफंड भी आ गया। सेम डे रिफंड यार, सेम डे पिकअप हुआ, कितना फर्स्ट क्लास। इसको बोलते हैं हैसल फ्री रिटर्न्स, ना कि आपके हैसल। पहले तो आप कह रहे थे भैया हमको प्रूव करो कि जी केबल गलत है, आप फोटोग्राफ भेजो। पहले तो फोटोग्राफ मांगे, फिर कहते हैं जो प्रिंट आउट निकालो, फिर कहते हैं कुरियर कंपनी को खुद कॉल करो, सारी डिटेल्स उनको दो और वो घर पे आके पिकअप करेंगे, चाहे वो फ्री होगा। लेकिन अब कितना इनकन्वीनियंस देते हो कस्टमर को। मैंने भी कहा छोड़ो एक काम करो, 200 रुपए की बात है ना, गोली मारो, मेरे को नहीं चाहिए 200 रुपए, 201 रुपए गए भाड़ में। आई एम नॉट गोना डील विद यू, आई एम गोना बॉयकॉट यू एंड आई एम गोना ब्रिंग द फैक्ट टू द वर्ल्ड कि आप सबसे पहले गलती आप करते हो और सफर आप कस्टमर्स को कराते हो। आप मेन, मेरे को जिस चीज का गुस्सा है कि आपका कोई क्वालिटी चेक है ही नहीं, बार बार आप गलती करते हो। सो गाइस, लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक, बी वाइज़।